छत्तीसगढ़ में जो है नए मुख्यमंत्री जी ने जो है शपथ ग्रहण कर लिया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने जो है शपथ ग्रहण कर लिया है और प्रथम कैबिनेट की बैठक भी समाप्त हो चुका है और बैठक में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ नई अपडेट्स के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, नई जानकारी के बारे में, ताकि आप तक वो सभी जानकारी पहुँच सके और आपको जानकारी मिल पाए। जी हाँ, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आ रहा है किसानों का कर्ज माफी को लेकर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ होगा। इसके साथ ही सभी महिलाओं को जो है 1,000 रुपये छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना से 1-1,000 रुपये छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के खाते में, छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके साथ महत्वपूर्ण धान बोनस जो 600 रुपये आपको मिलेगा। जी हाँ, एक प्रत्येक क्विंटल में आपको 300 रुपये मिलेगा और 2 साल का आपको बोनस मिल रहा है, यानी कि आपको धान बोनस जो होगा वो प्रति क्विंटल अब 600 रुपये आपको मिलेगा। इसके साथ जो है धान खरीदी 3100 रुपये जो है एक मुश्त आपके खाते में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 1 एकड़ में प्रति एकड़ आप जो है 21 क्विंटल जो है धान आप जो है बेच पाएंगे। जी हाँ, प्रति क्विंटल आप जो है 21 क्विंटल जो है धान बेच पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 3100 आपको जो है एक मुश्त आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक ही बार में। और सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त की अपडेट है किसानों का कर्जा माफ़ को लेकर। अब बहुत से किसान जो है सोच रहे हैं कि किसानों का कर्ज़ा माफ़ होगा या फिर नहीं होगा, तो हड़बड़ी और जल्दबाजी की या परेशान होने की कोई बात नहीं। किसी भी तरह से कोई भी परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा सबसे पहले आपके कामों पर जो है सबसे पहले आपके लिए ही सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाएगा, किसानों का कर्ज़ा माफ़ किया जाएगा। जी हाँ, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे सभी के बैंक अकाउंट में। जो भी चुनावी वादे, जो भी चुनावी घोषणा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में कहा था, उन सभी घोषणा पत्र में, उन सभी वादों को जो है, उन सभी चुनावी वादों को जो है एक एक करके बीजेपी सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है उन सभी वादों को जो है एक एक करके पूरा किए जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, और जितने भी वायदे, जितने भी मोदी जी की गारंटी है, जितनी भी योजना है, उन सभी योजनाओं पर काम किया जाएगा, उन सभी योजनाओं पर अमल किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को जो है राहत मिल सके, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के सभी सपने जो है पूरे हो पाए। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की ज़िंदगी जो है बेहतर हो सके, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की जो है ज़िंदगी में परिवर्तन आ सके, छत्तीसगढ़ में सभी किसानों के ज़िंदगी में खुशहाली जो है लौट सके, छत्तीसगढ़ में सभी किसानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के सभी सपने फिर पूरे हो पाए। एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम, एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है और किसानों का कर्ज़ा माफ़ होने वाला है। क्योंकि सबसे मेन महत्वपूर्ण किसानों के लिए मायने रखता है वो मायने रखता है कर्ज़ा। जी हाँ, किसानों का अगर कर्ज़ा ही होगा, जिससे वो कर्ज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कर्ज़ में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में रहते हैं कि यार हमारा बैंकों का जो है बहुत ज़्यादा कर्जा है, हम जो है उन सभी कर्जों को किस तरह से छूट कर पाएंगे, उन सभी कर्जों को जो है किस तरह से चुका पाएंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आप सभी को जो है किसी भी तरह से परेशान होने की या किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत वाली बात आपका नहीं होने वाला, और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज़ा माफ़ होने वाला है और सभी महिलाओं के खाते में 1-1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही धान बोनस आपको 600 रुपये मिलेगा और धान खरीदी आपको जो है धान खरीदी में 3100 रुपये जो है आपको एक मुश्त आपके खाते में, एक मुश्त में आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी आम जनता के लिए जो है फ़ायदे हो सके और सभी के लिए जो है एक के बाद एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की ज़िंदगी बेहतर हो पाए और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को
एक अच्छा बेनिफिट्स जो है, एक अच्छा लाभ मिल सके, एक अच्छा एडवांटेज जो है मिल सके। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सभी महिलाओं को 1,000 रुपये और धान बोनस भी 600 रुपये मिलने वाला है। इसके साथ ही धान खरीदी में आपको एक एक मुश्त सिर्फ एक ही बार में आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है, जितने भी पैसे हैं पूरे के पूरे आपके बैंक अकाउंट में, आपके खातों में जो है पैसे पूरे जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है काम किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नई घोषणा है, और भी आने वाले टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी, जो मोदी की गारंटी है, उन सभी गारंटी को, उन सभी वादों को जो है बीजेपी सरकार के द्वारा जो है पूरे किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण हो चुका है। इसी के साथ किसानों का कर्जा माफी को लेकर भी सबसे बड़ी अपडेट जो है निकल कर आप सभी के लिए आ रहा है। जी हाँ, और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ़ होगा, जो कि छत्तीसगढ़ में सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हो जाती हैं, और आने वाले टाइम में जो है और भी ज़्यादा, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स होने वाला है। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए जो है नई नई अपडेट्स, एक के बाद एक और नई नई जानकारी जो है, नई नई अपडेट जो है आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो जितने भी अपडेट जो है छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए निकल कर आएंगे, उन सभी अपडेट्स के बारे में, उन सभी जानकारी मेरे चैनल पर आप सभी को मिलेगा। तो वीडियोस को शेयर आपको अवश्य करने ना है, और छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी अपडेट जो है आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है। किसानों का कर्ज़ा माफ़ होने वाला है, और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए अपडेट है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी अपडेट्स, सभी अपडेट्स अगर आपको अच्छा लगा हो, सभी अपडेट्स अगर आपको जो है पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सभी चीज़ों के बारे में, सभी डिटेल्स के बारे में, सभी अपडेट्स के बारे में पता चल सके, नए नए जानकारी के बारे में छत्तीसगढ़ के सभी किसान अवेयर हो सके, अवगत हो पाए, और उन्हें भी कंप्लीट जो है संपूर्ण जानकारी जो है मिल पाए। तो यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण हो चुका है, किसानों का कर्जा माफ़ होने वाला है, सभी महिलाओं को 1-1,000 रुपये प्रति महीने मिलने वाला है, 1 महीने में 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल 12,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में सीधे जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके साथ ही धान बोनस 600 रुपये मिलेगा, और धान खरीदी 3100 रुपये एक मुश्त आपके खाते में, एक मुश्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, एंड शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आपको अवश्य रूप से बता देना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।